तवर भाई, कल मैंने आपकी एक वीडियो देखी और उसमें मैंने देखा कि किस प्रकार आप अपने मोबाइल में कीबोर्ड और माउस को लगाकर एकदम पीसी जैसा गेम प्ले कर रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आप अपने मोबाइल में कीबोर्ड माउस लगाकर खेल रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि आप एक पीसी में खेल रहे हैं। तवर भाई, क्या हमें भी बताओगे यार कि हम कैसे अपने मोबाइल में कीबोर्ड और माउस को लगाकर पीसी जैसा गेम प्ले कर सकते हैं? यस माय डियर फ्रेंड, तुम्हें ही नहीं साथ ही साथ हमारी ऑडियंस को भी बताएंगे कि अगर आप भी अपने मोबाइल में कीबोर्ड और माउस को लगाकर एकदम पीसी जैसा गेम प्ले करना चाहते हो, पीसी वाला फील लेना चाहते हो और जानना चाहते हो फुल सेटअप के बारे में, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गेमर्स, कैसे हो आप सभी? सो उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और बहुत ही ज्यादा मस्त होंगे। तो सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का आज की एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो गाइस, क्या आपका भी मन बड़े बड़े यूट्यूबरों जैसा होता है कि काश यार हमारे पास भी एक गेमिंग पीसी होता जिसमें हम एकदम ओपी वाला गेम प्ले कर पाते और पीसी के मजे ले पाते। लेकिन क्या करें यार, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम एक पीसी को परचेस कर ले और पीसी जैसा गेम प्ले कर ले। तो इस समय हम लोग क्या करें? तो गाइस, अगर ये आप सभी सोच रहे हो तो आज से ये सब सोचना बंद कर दीजिए। यस गाइस, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ एक ऐसा देसी जुगाड़ जिसको यूज करके आप अपने मोबाइल में ही कीबोर्ड और माउस को लगाकर फ्री फायर, पबजी, किसी भी गेम का गेम प्ले कर सकते, वो भी लाइक पीसी। यस दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। गाइस, अगर आपको लग रहा है कि क्या लवर भाई मजाक कर रहे हैं, तो एक बार अपने हाथों पर चिमटी खोद के देखो, आपको रियलिटी का पता चल जाएगा। यस गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसा देसी जुगाड़ बताने वाला हूँ जिसको यूज करके आप अपने मोबाइल में ही कीबोर्ड और माउस को लगाकर फ्री फायर, किसी भी गेम का गेम प्ले एकदम पीसी जैसा कर पाओगे। एंड अब आपको ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा यार कि काश हमारे पास भी पैसे होते तो हम पीसी को परचेस कर पाते, क्योंकि गाइस जैसा कि आप सभी को पता है, मुझे भी पता है और गरीना को भी पता है कि जो एक पीसी प्लेयर का गेम प्ले होता है वो एज कम्पेयर टू मोबाइल प्लेयर से बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। इसीलिए आज हर एक बंदा पीसी में गेम को खेलना चाहता है, क्योंकि पीसी में गाइस गेम खेलने का जो फील है ना, वो आपको मोबाइल में नहीं मिल सकती। इसीलिए गाइस आज के समय में पीसी की डिमांड बढ़ती जा रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को पूरा फुल सेटअप बताऊंगा कि अगर आप अपने मोबाइल में कीबोर्ड और माउस को लगाकर बिल्कुल पीसी वाला गेम प्ले करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं। यानी आपको पता है कि पीसी में भी कीबोर्ड माउस से लगाकर गेम खेलते हैं और मोबाइल में भी गाइस आप अपने मोबाइल में कीबोर्ड और माउस को लगाकर गेम प्ले कर पाओगे। अभी आप मेरी स्क्रीन पर जो गेम प्ले देख रहे हो गाइस, वो मैं अपने हाथों से ही और अपने ही मोबाइल में कीबोर्ड और माउस को लगाकर गेम खेल रहा हूं। इस सेटअप को बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो सब के बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेल में बता रखा है। तो गाइस, अगर आपका ड्रीम है पीसी में फ्री फायर, पबजी, किसी भी गेम को खेलना और एकदम पीसी वाला फील लेना, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलिए गाइस, करते हैं वीडियो को शुरू और आप सभी को बताते हैं वो बहुत ही शानदार देसी जुगाड़। लेकिन गाइस यार, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि गाइस, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो या फिर आप हमारा वीडियो तो देखते हो बट अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई इस वीडियो को बस एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल वाला आइकन है उसे ऑल पे जरूर सेट कर देना। गाइस, सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाएगी एंड आप हमारे चैनल पर इस प्रकार के और भी कॉन्टेंट को देख पाओगे। तो चलिए गाइस, आपका बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को शुरू और आप सभी को बताते हैं वो सेटअप। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो फ्रेंड्स, अगर आप अपने मोबाइल में कीबोर्ड और माउस को लगाकर फ्री फायर, पबजी या फिर किसी भी गेम का गेम प्ले एकदम पीसी जैसा करना चाहते हो, तो सबसे पहले दोस्तों आपको जरूरत पड़ेगी एक कीबोर्ड माउस की, एक कीबोर्ड की एंड गाइस उसके बाद एक माउस की। गाइस, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कीबोर्ड माउस से अगर हमें गेम खेलना है तो हमें सबसे पहली चीज़ कीबोर्ड और माउस की जरूरत तो यहाँ पर पड़ने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर देखो गाइस, ये जो मेरा कीबोर्ड है ये गाइस मेरा लेप केयर कंपनी का है, लगभग 3-4 महीना हो गया मेरे को इसे खरीदे हुए, और जो माउस है गाइस मेरा प्रोडक्ट कंपनी है। गाइस, सब कुछ मेरा सस्ता काम है, ठीक है, कोई महंगा वाला यहाँ पे गाइस कुछ नहीं है, मेरा महंगा डिवाइस कोई सा भी नहीं है। इससे पहले गाइस में जो 200-250 रुपये वाले कीबोर्ड आते थे वो चलाता था, लेकिन इसे मैंने परचेस कर लिया तो मेरे को 450 रुपये का पड़ा था। और गाइस, ये जो मेरा माउस है ये लगभग 150 रुपये का, ठीक है। गाइस, मतलब कुछ भी आपको इसमें महंगी चीज़ों की ज़रूरत है ही नहीं। गाइस, उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी एक OTG की, जो कि गाइस आपके अपने मोबाइल के हिसाब से लेना। अगर आपका मोबाइल यहाँ पर सी टाइप का तो आपको सी टाइप की लेनी है, अगर ऐसी नॉर्मल वाली है तो आपको ऐसी नॉर्मल वाली OTG को लेना है। ये आपको मार्केट में 10 रुपये का आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी गाइस, वो है यहाँ पर हमारा USB हब। गाइस, ये आपको मार्केट में 200-250 रुपये का आसानी से मिल जाएगा। गाइस, ये वाली जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि इसी में आप जो है अपना कीबोर्ड और माउस का दोनों वाला जो गाइस पिन है एक साथ लगाते हो, ठीक है। तो आपको गाइस जो है इतनी चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी एंड साथ ही साथ आपको एक मोबाइल की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि भाई ऑब्वियसली यार अगर हमें अपने मोबाइल में कीबोर्ड और माउस को लगाकर गेम खेलना तो मोबाइल की ज़रूरत तो पड़ेगी। गाइस, ये जो मेरा वीवो का है, वीवो Y20G
64 है, ठीक है। तो गाइस इतनी चीज़ों की जरूरत आपको पड़ती है अगर आपको अपने मोबाइल में कीबोर्ड और माउस को लगाकर गेम खेलना है, ठीक है। तो देखो कीबोर्ड माउस एक OTG, ठीक है, एक यहाँ पर ये रही गाइस OTG, एक USB हब एंड एक फ़ोन की, ठीक है। तो गाइस अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि आपको इसे कनेक्ट कैसे करना है। गाइस आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना शुरू कर देना, क्योंकि गाइस अगर कनेक्शन सही होगा तो ही आप जो है गेम को खेल पाओगे PC जैसा अपने मोबाइल में, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कनेक्शन कैसे करना है। तो चलिए गाइस करते हैं इसकी कनेक्शन। तो गाइस सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको अपनी फ़ोन की स्क्रीन को यहाँ पर ऐसे कुछ प्रकार से ओपन करना है। एंड उसके बाद दोस्तों आपको अपनी फ़ोन की सेटिंग में जाना है, और फोन की सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च करना है OTG, ठीक है गाइस। आपको यहाँ पर OTG सर्च करना है। एंड गाइस देखो किसी किसी फोन में क्या होता है कि OTG डायरेक्ट रहता है, मतलब डायरेक्टली आप USB लगाओ आपकी OTG चालू हो जाएगी, लेकिन किसी किसी मोबाइल में गाइस इस प्रकार से जो है चालू करना पड़ता है, ठीक है। और अगर आपको सर्च आपको गाइस हो वैसे ये बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, आपको यहाँ पर सर्च करना है OTG। अगर आपके फोन में OTG इनेबल करने वाला ऑप्शन है तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। गाइस OTG इनेबल करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये वाली जो OTG है ये आपको यहाँ पर लगानी होती है, ठीक है, जैसे मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस ये जो है ये मैंने OTG यहाँ पर लगा दिए, ठीक है। एंड देखो गाइस अब यहाँ पर ये वाला कुछ ऐसा इस प्रकार के आपके पास भी ऑप्शन आ जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड को लेना है, ठीक है गाइस। जैसे मैं यहाँ पर कीबोर्ड को ले लेता हूँ, देखो गाइस अब जो है मैंने अपना कीबोर्ड को ले लिया है। एंड कीबोर्ड को लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, इसकी जो ये USB है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। एंड आपको माउस भी ले लेना है, मैं आपको अच्छे से रख कर बताता हूँ सब। देखो गाइस ये है मेरा माउस। तो और गाइस देखो इसमें जैसे तो आपको अपनी USB हब को भी लगा देनी यहाँ पर, ठीक है, जैसे मैं लगा रहा हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपनी USB हब को लगाओगे तो देखो गाइस यहाँ पर जो इसमें लाइट चालू हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि आपका जो OTG है वो यहाँ पर चालू हो गया है। एंड उसके बाद दोस्तों अगर आप चाहो तो यहाँ पर मोबाइल स्टैंड भी रख सकते हो या फिर आप कुछ भी रख सकते हो। तो गाइस देखो हमारे पास मोबाइल स्टैंड तो नहीं है, लेकिन हमारे पास एक देसी जुगाड़ है यार। तो हम यहाँ पर देसी जुगाड़ को क्या करेंगे, इस प्रकार से ताले को रखेंगे और अपने मोबाइल को यहाँ पर टिका देंगे। लेकिन गाइस उससे पहले आपको क्या करना है कि आपको गाइस देखो अगर आप अपने मोबाइल में कीबोर्ड और माउस को लगाकर फ्री फायर पबजी किसी भी गेम का गेम प्ले करना चाहते हो तो आपको जो यहाँ पर पांडा माउस फ्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। सो गाइस अभी आप देख सकते हो कि मेरे फ़ोन में जो है पांडा माउस फ्रो एप्लीकेशन है। गाइस इस एप्लीकेशन को अगर आपको डाउनलोड करना है तो गाइस इस एप्लीकेशन का लिंक जो है आपको मेरे इंस्टाग्राम पर मिलेगा। तो इंस्टाग्राम का लिंक गाइस मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर जो है कमेंट बॉक्स में पिन करके रखा है। आप जो है जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फटाफट से फॉलो करो और वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी पांडा माउस प्रो की, ठीक है। तो उसको डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको इस पांडा माउस प्रो को एक्टिवेट करना होता है। ऐसा कि दोस्तों मैं आप सभी को एक एप्लीकेशन के बारे में और बताता हूँ जिसका नाम है ऑक्टोपस। गाइस उसमें आपको एक्टिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन गाइस उस एप्लीकेशन से आप ना खेलो क्योंकि उसमें गाइस उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। मतलब आप उसमें अपना फ्री फायर का जो मेन आईडी है फेसबुक अकाउंट है उसे लॉगिन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसीलिए गाइस मैं उस एप्लीकेशन के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर पांडा माउस प्रो के बारे में बता रहा हूँ। इसको जैसे ही आप एक्टिवेट करोगे तो आपका जो पांडा माउस प्रो यहाँ पर जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा आप इसमें अपना फ्री फायर का मेन आईडी सब कुछ चला सकते हो। कैसे चला सकते हो वो सब मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताऊंगा, बस आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, ओके। तो गाइस आपको क्या करना है, पांडा माउस प्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है एंड इसे ओपन करना है। एंड ओपन करने के बाद देखो गाइस अभी यहाँ पर नो डिवाइस कनेक्शन बता रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही गाइस देखो अभी मैं इसको यहाँ पर टिका देता हूँ। देखो गाइस मैंने यहाँ पर इसको टिका दिया है एंड देखो गाइस यहाँ पर जैसे मैंने इसको रख दिया है वो गाइस ये तो फिसल रहा है तो मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइस अभी मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखो गाइस अभी देखो नो डिवाइस कनेक्टेड यानी कुछ भी कनेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही गाइस मैं अपने जो यहाँ पर माउस की सॉरी यहाँ पर जो कीबोर्ड की पिन यहाँ पर मैं लगाऊंगा और देखो गाइस मैंने जैसे इसको लगाया एंड अभी यहाँ पर माउस की पिन को भी लगा देता हूँ। तो गाइस अभी जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो देखो गाइस मेरा कीबोर्ड और माउस जो है दोनों कनेक्ट हो गया है। जब आप भी अपने कीबोर्ड और माउस को यहाँ पर ये जो USB वाली पिन है जो ये गाइस ये जो आपकी USB वाली पिन देख रही है USB हब, जब आप अपने USB हब में अपने कीबोर्ड और माउस की USB को लगाओगे तो आपको गाइस कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस बताएगा। देखो गाइस यहाँ पे लिखा है टू डिवाइस कनेक्टेड, ठीक है। तो मतलब जो गाइस मेरा जो पूरा सेटअप यहाँ पर जो है रेडी हो चुका है, ठीक है। और अब मैं आप सभी को दिखाता हूँ गाइस इसको चला कर, ओके। तो देखो गाइस अब मैं आपको करता हूँ इसको बिल्कुल चलाकर दिखाऊंगा, ठीक है गाइस। तो देखो गाइस ये है मेरा माउस, ठीक है। और आपको क्या करना है कि आपको अपने पांडा माउस पर आइकन पर क्लिक करना है, जैसे मैं करता हूँ यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। एंड आपको यहाँ पर देखो कि स्किप का ऑप्शन आएगा,
गाइस अगर आपको ना दिख रहा हो तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा ले एंड उसके बाद देखो गाइस आपको स्किप करने के बाद ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, स्किप आई कांट फाइंड, ठीक है। एंड गाइस जैसा ही आप ऐसा करोगे तो देख सकते हो कि आपका जो गेम यहाँ पर ओपन हो चुका है। एंड मैं आपको इसको थोड़ा सा और ऊपर करके बता देता हूँ। एंड गाइस यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, गाइस ये देखो, गाइस ये है मेरे कीबोर्ड और माउस की पूरी फुल की मैपिंग। तो गाइस देखो यहाँ पर मैंने की मैपिंग को पहले से ही बनाकर रखा है। गाइस मैंने की मैपिंग के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है कि जिस की मैपिंग को मैं यूज़ करता हूँ, गाइस एकदम प्रो वाली की मैपिंग मैंने उस टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक गाइस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कॉमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। हमको सिखा रही है। सो गाइस जैसा कि अभी आप सभी मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर या फिर आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितना ही ओपी गेम प्ले कर पा रहा हूं मैं अपने मोबाइल में ही कीबोर्ड और माउस को लगाकर। गाइस आप सभी देख सकते हैं मेरी ग्लू वॉल की स्पीड भी कितनी ज़्यादा फास्ट है। एंड गाइस यहाँ पर मैं कितना अच्छा गेम प्ले कर पा रहा हूँ। हाँ गाइस मुझे पता है कि जो एक रियल पीसी प्लेयर होता है उसके मुकाबले तो ये थोड़ा सा कम अच्छा है, लेकिन गाइस आपके जो नॉर्मल फोन है उसके मुकाबले तो कहीं ज्यादा अच्छा है। इसमें आपके फोन की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका ड्रीम है पीसी जैसा फील लेना तो गाइस आप ये वाला जो सेटअप है ट्राई कर सकते हैं। कर सकते नहीं, आपको करना ही चाहिए यार, क्योंकि अगर भाई देखो इसमें भी आपको कीबोर्ड माउस से खेलने को मिल रहा है और उसमें भी आपको कीबोर्ड माउस से खेलना पड़ेगा। बस गाइस फर्क इतना रहेगा कि वो रियल पीसी रहेगा और इसमें क्या रहेगा कि ये हमारा सब पीसी रहेगा, मतलब जो रियल पीसी उसका एक छोटा सा पार्ट। तो गाइस इस वीडियो में मैंने आप सभी को जितनी भी चीजें बताई है गाइस वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। इसलिए तो अगर आपने इस वीडियो में से कोई सा भी पार्ट मिस किया है तो गाइस उसको भी जरूर ध्यान से देखना, क्योंकि गाइस इस वीडियो में हर कही गई बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि दोस्तों आप सभी को इस वीडियो से काफी ज्यादा नॉलेज और काफी कुछ सीखने का और बहुत ही ज्यादा हेल्प मिली होगी। आई होप कि दोस्तों आप सभी को समझ आ गया होगा कि आपको कैसे क्या करना है और कैसे सेटअप करना है। हाँ गाइस अगर आपको पांडा माउस प्रो एप्लीकेशन का लिंक चाहिए, मैं आपको फिर बताता हूँ, अगर आपको पांडा माउस प्रो एप्लीकेशन का लिंक चाहिए गाइस मैंने अपने इंस्टाग्राम पर पांडा माउस प्रो का लिंक दे रखा है और गाइस इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर फटाफट से गाइस अपने भाई को करें फॉलो और फटाफट से करें पांडा माउस प्रो को डाउनलोड, करें एक्टिवेट एंड ले एकदम पीसी जैसा फील। एंड हाँ गाइस अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर दो। सो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।